दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनसे छोटी सी गुजारिश है कि आपको जो सब्सक्राइब का रेड कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। यकीन मानिए आपके हाथ को कुछ नहीं होगा, बस हमारा जो एम है उसको एक कदम और मिल जाएगा। कंप्यूटर का ये थर्ड पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, तो वही बात है कि अब जो हमारा सेकंड पार्ट था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। जो हमारा लास्ट जो वीडियो थी उसमें ये लास्ट क्वेश्चन था कि पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका आंसर था इनैक। इनैक का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका ये फुल फॉर्म थी। अब आते हैं इससे आगे। तो अब पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम हमें मालूम चल गया इनैक। अब ये बात आती है कि पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को बनाया किसने था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जेपी इकट ऑफ जेडब्ल्यू और जेडब्ल्यू मोकली, फिशर और जेनी, फूरियर बंधु, चार्ल्स बेबिज। अब चार्ल्स बेबिज को देखकर हमें एक बात याद आती है कि चार्ल्स बेबिज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो मोस्टली बच्ची जिसको नहीं मालूम वो क्या करते हैं, चार्ल्स बेबिज को ही इसको ठीक मानते हैं, लेकिन गलत है। चार्ल्स बेबिज हमारा आंसर नहीं है। चार्ल्स बेबिज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहते हैं, लेकिन पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबिज ने नहीं बनाया था। चार्ल्स बेबिज ने क्या बनाया था, एक तो बनाया था एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो कि बनाया था 1833 में। यस, 1833 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। और 1822 में क्या बनाया था, वो डिफरेंस इंजन बनाया था। मतलब ये इंजन तो इसने बनाए थे, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है, लेकिन पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर इन्होंने नहीं बनाया। तो हमारा आंसर क्या है, जेपी इकट और जेडब्ल्यू मोकली। अब याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं सीधा, कि जेपी से आपको कुछ याद आया होगा, जैसे कि जेपी एक सीमेंट का ब्रांड है, सीमेंट आती है जेपी नाम से इंडिया में, अंबुजा सीमेंट भी है, जैसे कि चेतक सीमेंट है ऐसे ही जेपी सीमेंट भी है। वैसे तो जेडब्ल्यू सीमेंट भी है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, मिक्स सीमेंट है, ये ब्लू कलर की होती है, मिक्सअप होती है, लेकिन हम इससे याद नहीं कर सकते क्योंकि हमें याद तो नहीं रहेगा जेडब्ल्यू भी सीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसका ज़्यादा फेम नहीं है, लेकिन जेपी सीमेंट का है, तो हम इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला कंप्यूटर था, मान क्या लेते हैं असली में था कि जो पहला कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ा था, विशाल था और मजबूत था, क्योंकि बड़े कमरे में रखा जाता था, ये हमें मालूम भी है। तो हम इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो पहला कंप्यूटर था वो सॉलिड क्यों था, मजबूत क्यों था, वो क्यों था कि वो सीमेंट से बनाया गया था, मतलब जेपी सीमेंट से बना था। हम यही मान लेते हैं। हम इसको याद कैसे करते हैं कि जेपी सीमेंट से पहला कंप्यूटर बना। अब हमें मोकली भी याद करना है, ये जेडब्ल्यू मोकली, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं कि जेपी सीमेंट से पहला कंप्यूटर बना और माँ काली के मंदिर में रखा गया, मतलब पहला कंप्यूटर बना और माँ काली के मंदिर में रखा गया, मतलब माँ काली मतलब मोकली, ये आंसर में से ले लिया। जेपी मतलब जेपी कट हमने यहाँ से ले लिया। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। तो देखिए आप, 1965 से 1970, 1946 से 1950, 1850 से 1870, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है 1965 से 1970। तो इसको हम याद कैसे करें उस पर आते हैं। अब ये क्या है कि थर्ड जनरेशन की बात है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात है, और तीसरा, इसको दो तरह से याद कर सकते हैं वैसे तो। तीसरी पीढ़ी की बात है मतलब तीसरा, मतलब तीन किसके स्थान में आता है, सी ए बी सी, मतलब थर्ड स्थान। या हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, भाई कंप्यूटर की बात है तो हम सी लिख देते हैं। अब क्या है, अब आंसर पे आते हैं कि 1965 से 1970, मतलब 65 में से हम लास्ट का ले लेते हैं, पाँच, तो मतलब पाँच का मतलब क्या होता है ई, और सात का मतलब क्या होता है, 1970 है तो सात का मतलब होता है जी। तो सी ई जी का मतलब क्या होता है, सी जी क्या है, कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप। इंजीनियर्स की बात आ रही है तो कंप्यूटर की बात तो होगी, एक तो बात तो ये ध्यान में रखिए। वैसे इस
ग्रुप का बारे में मैं बता दूं, इस ग्रुप के अंतर्गत बहुत काम होता है, जैसे कि वाटर टेस्टिंग लैब का जो काम होता है इसके अंदर होता है, फूड टेस्टिंग लैब का इसके अंदर काम होता है, मेटल टेस्टिंग लैब, ड्रग फार्मा टेस्टिंग लैब, बहुत काम होता है इस लिमिटेड इस ग्रुप के अंदर। तो हम CEG से इसको याद कर सकते हैं, CEG से हमको ये याद हो जाएगा ये कि थर्ड जनरेशन का ये कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन का जो काल है वो क्या है, सी का मतलब 3 और ई का मतलब क्या है 5 और इसका जी का मतलब 7। तो हम ये याद कर लेंगे हम कि सी को हम अलग कर देंगे क्योंकि कंप्यूटर की बात है, और 5 और 7 को यदि याद रखा जाए तो 5 और 7 1965 में से 5 और 1970 में से 7, तो मतलब ये हम याद कर सकते हैं ऐसे इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर था पहली पीढ़ी का उसका काल क्या था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1968 से 1985, 1946 से 1958, 1945 से 1955 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है 1946 से 1958। अब याद कैसे करें उस पर आते हैं। तो हम एक बात मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं, पहले ऐड आती भी ज़्यादा देर तक थी कि जो पहले जो कंप्यूटर बना था तो उसमें ऐड बहुत दी जाती थी भाई, जैसे कि अब आती है हम ये YouTube ही चलाते हैं तो उसमें ऐड आती है ना ऐसे ही। तो मान लेते हैं कि जो पहले कंप्यूटर जो था उसमें ना बहुत ऐड आती थी, फालतू की ऐड आती थी, तो हम इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं। देखो पहले कंप्यूटर से ऐड दी गई फालतू की, या पहले कंप्यूटर से ऐड बहुत आती थी फालतू की, ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले कंप्यूटर से ऐड दी गई फालतू की, ऐसे कर लेते हैं। तो देखो पहले कंप्यूटर से, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर ही है, और ऐड दी गई मतलब AID का मतलब क्या है कि A का स्थान 1, I का स्थान 9 और D का स्थान 4। तो 19194 तो यहाँ से हो गया, दी गई फालतू की मतलब फालतू से F ले लिया, तो ये कंप्लीट 1946 बन जाता है, मतलब हमारा जो आंसर है 1946 है, हम इतना इसको याद कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हाँ इसकी ट्रिक मैंने कोशिश तो की थी बनाने की, बनी भी थी लेकिन वो थोड़ी सी अलग सी लगी इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा। तो जो इनैक थी, इनैक जो मैंने बताया था कि पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर था, जो कि किसने बनाया था, JP कट ने बनाया था और मोकली ने बनाया था। अब उसकी गणना की रफ्तार क्या थी, इनैक की गणना की रफ्तार क्या थी, 700 जोड़ प्रति सेकंड, 7000 जोड़ प्रति सेकंड, 6500 जोड़ प्रति सेकंड, 5000 जोड़ प्रति सेकंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर है 5000 जोड़ प्रति सेकंड। एक छोटा सा हम वैसे लगा सकते हैं यदि आपको याद रह जाए तो, इनैक में ये जो वर्ड आप गिनेंगे, आप ये कि अल्फ़ाबेट गिनेंगे ENIAC, ये 5 आते हैं, मतलब इसकी 5 से ही ये शुरू होती है इसकी जो गणना है, तो 5000 हमारा आंसर हो सकता है, हम ऐसे लगा सकते हैं। चलो इससे आगे करते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, ऑप्शन ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो ऑप्शन है कि सेंड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जिसको अर्धचालक भी कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। फिर इसका आंसर क्या है कि सेमी कंडक्टर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, सेमी कंडक्टर। हम इसको याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं यदि भूल भी जाए तो, कि मिस्त्री ने ट्रांजिस्टर बदला, मिस्त्री जो होता ट्रांजिस्टर बदल देता है, मिस्त्री ने ट्रांजिस्टर बदला पर कंडक्टर खराब था। आप मान लेते हैं ट्रांजिस्टर बदल दिया, पंखे का शायद ट्रांजिस्टर ही होता है, कंडक्टर होता पता नहीं ट्रांजिस्टर, कि मिस्त्री ने ट्रांजिस्टर बदला पर कंडक्टर खराब था, तो मिस्त्री की क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब अच्छा नहीं लगा हम इसको। और हमारा क्या था, इसका जो आंसर था वो था सेमी कंडक्टर। तो मिस्त्री ने ट्रांजिस्टर बदला पर कंडक्टर खराब था, तो मिस्त्री की सेम हो गई भाई, उसने गलत काम, उसको मालूम ही नहीं चला, तो मतलब मिस्त्री ने ट्रांजिस्टर बदला पर कनेक्टर खराब था, तो मिस्त्री की सेम होगी, मतलब सेमी कंडक्टर, हम इसको ऐसे, और ट्रांजिस्टर और कनेक्टर इस दोनों के अंदर आ गए हैं,
तो हम इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर कनेक्टर और सेम, मतलब हम इसको डिकोड कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद आता है कि ट्रांजिस्टर किस चीज़ से बना होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, एसएससी में पूछा गया है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें दिया है, क्यों दिया है मैं बता रहा हूँ। वैसे ही जो तैयारी करता है ये क्वेश्चन उनके जुबान पर रटा हुआ होता है। तो ऑप्शन आ जाते हैं कि सिलिकन या सिलिकॉन या जर्मेनियम, सोना, तांबा या जस्ता। तो हमारा जो आंसर है वो सिलिकन या जर्मेनियम है। तो लेकिन मैंने दिया क्यों है वो भी मैं एक बात बता देता हूँ। इसको देने का रीज़न ये था कि यदि सिलिकन आ जाए तो हमें मालूम है, सिलिकॉन या सिलिकन आ जाए तो हमें मालूम है कि भाई ये आंसर है। यदि जर्मेनियम आ जाए तो हमारे दिक्कत हो सकती है। तो हम इसको कैसे याद करें कि ट्रांजिस्टर की, हाँ ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है उस पर बता देता हूँ कि दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रभाव को नियंत्रित करता है ट्रांजिस्टर। अब हम इसको याद करने की बात पर आ जाते हैं कि ट्रांजिस्टर की, हाँ हमारा क्वेश्चन क्या था, ट्रांजिस्टर किस चीज़ से बना होता है, सिलिकन या जर्मेनियम, मतलब ये दोनों हमें याद होने चाहिए। तो ट्रांजिस्टर की सील लीक ना हो, मतलब सील सिलिकन से ले लिया सील, फिर लीक भी हमने सिलिकन से ले लिया। ट्रांजिस्टर की सील लीक ना हो इसलिए जर्मनी ने गम बनाया। गम मतलब जो गम चेवने का होता, गम मतलब यम मान लेते हैं, जर्मनियम, जर्मनियम मतलब जर्मनियम गम भी कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर की सील लीक ना हो इसलिए जर्मनी ने यम बनाया, गम बनाया, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ, तीसरी जो थर्ड जनरेशन थी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ था, प्राइमरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इसको भी बच्चे गलत करते हैं, इसका जो आंसर है वो है कैश मेमोरी। तो हम इसको याद कैसे करें उस पर आते हैं। तो याद एक छोटी सी लाइन से कर लेते हैं कि तीसरी पीढ़ी में, मतलब थर्ड जनरेशन जो थी एडवांस हो गई थी, तो तीसरी पीढ़ी में या जनरेशन में लगा सकते हैं कि तीसरी जनरेशन में तीसरे काउंटर पर, तीसरी पीढ़ी में तीसरे काउंटर पर कैश मिलता था। याद रखना कि आप बैंक से ही लगा लें कि हम थर्ड जनरेशन में जब आए एडवांस हो गए थे, तो मतलब तीसरी पीढ़ी में तीसरे काउंटर पर कैश मिलता था, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो कैश का मतलब क्या है, कैश, और याद रखना मतलब मेमोरी, और तीसरे से मतलब तीसरी जो पीढ़ी है उसका तीसरी पीढ़ी में सोने बोल दिया, हम इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन याद होने में मददगार रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, हाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अच्छा दोस्तों, जय हिंद।